पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी कई परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक कलाओं को अपने आप में समेटे हुए है। लेकिन आधुनिकता और मशीनरी युग के प्रचलन के बाद में बहुत सी परंपराएं यहां से विलुप्त होती नजर आ रही हैं। एक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में प्रचलित लोक नृत्य था जिसका नाम है हुड़कहा नृत्य। हुड़कहा नृत्य उत्तर प्रदेश का प्राचीन काल से चला आ रहा नृत्य है जिसमें बिरहा का गायन किया जाता है, साथ ही कई लोक कलाओं और कथाओं को दर्शाया जाता है। इसमें तीन प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जो कि एक डमरू के आकार का डमरू से बड़ा हुड़क होता है, साथ ही पीतल से बनी जोड़ी का भी प्रयोग करते हैं और सारंगी के आकार से छोटा एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम होता है चिकारा। विलुप्त होते इस लोक नृत्य को मिश्रिक इलाके के नहोइया गांव के रहने वाले भारत आज भी इस लोक नृत्य को जीवित रखे हुए हैं। दादाजी, ये जो बहुत एक पुराना नृत्य है। हाँ, बहुत पुराना। अच्छा, इसको मिला के क्या कहा जाता है? इनका कहा जाता है हुड़का। अच्छा, इसकी कंपनियां बहुत कम बची हैं। हाँ, कम बचती है लेकिन हमारी चलती है। अच्छा अच्छा, आप कितने दिनों से चला रहे हैं? हो ही गए हैं कम से कम ना 15-20 साल। अच्छा अच्छा, 20 साल मानो। अच्छा, इसमें क्या क्या सुनाया दिखाया जाता है? हेमा धोबिया राग, गांजर की लड़ाई। अच्छा, गांजर की लड़ाई, गांजर की लड़ाई और राजा रानी शमशेर का पहरा। पहरा, अच्छा, ये पुराना खेल है। इसमें पुराना खेल है। अच्छा अच्छा, हम करते हुए इसमें हमको बहुत अच्छा लगता है, बाकी जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लगता है। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम कम से कम 20 साल हो गई।